चोरी करते हुए आरोपियों का वीडियो बनाना एम्बुलेंस ड्राइवर को पड़ गया भारी, आरोपियों ने उतारा मौत के घाट। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। 22nd फ्लोर का हाई राइज टावर है, टॉप फ्लोर पे स्काई क्लब है, और सबसे बेस्ट पार्ट इस प्रोजेक्ट का ये है कि इसके अंदर आपको मिलेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम और अच्छे से अच्छा ऑफर। और आई थिंक ये मुमरा का फर्स्ट ऑफर ऐसा है जो फर्स्ट टाइम इन मुमरा है, बट वो ऑफर जानने के लिए आपको इस पर कॉल करना होगा, लॉन्च में आना होगा, हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करनी होगी, और हमारा एक वीडियो है वो आएगा, वो भी आपको पूरी जानकारी दे देगा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। नेरुल के डीवाई पाटिल हॉस्पिटल के पास एक शख्स को आरोपियों ने मौत के घाट उतारा। दरअसल पूरी जानकारी इस प्रकार है, डीवाई पाटिल हॉस्पिटल के पास एक एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसका नाम युवराज सिंह है। वही युवराज सिंह इन आरोपियों को एक चोरी करते हुए वीडियो बना लेता है, और ये चोरी नारियल की करते हुए इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो उसके पास पहुँच जाता है, और तभी आरोपियों द्वारा ये जो एम्बुलेंस ड्राइवर है उसको आरोपियों द्वारा इस कदर हमला किया जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। इस पूरे मामलात को लेकर नेरल पुलिस स्टेशन में पूरा मामला दर्ज किया जाता है, और नेरल पुलिस स्टेशन द्वारा इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। इस पूरे मामलात को लेकर DCP जून 1 नवी मुंबई के विवेक फंसारी ने क्या जानकारी दी है वो हम आपको सुनाते हैं। कल नेरल पुलिस स्टेशन में डीवाई पाटिल हॉस्पिटल के सामने एक युवराज सिंह नाम के युवक की हत्या हुई है। इसमें 3 आरोपी हम लोगों ने अभी तक अरेस्ट किए हैं। इसमें ये जो युवराज सिंह था उसने एक जो आरोपी थे वो एक जगह से नारियल की चोरी कर रहे थे। वो जो नारियल वाली महिला थी उनसे इनका झगड़ा था, उसका शूटिंग युवराज सिंह ने किया था। इसका गुस्सा आने से ये तीनों ने इसका मर्डर किया है। इसमें सब आरोपी अटक करके उनका 6 तारीख तक पुलिस कस्टडी लिया है, और आगे का तपास हम लोग कर रहे हैं। नहीं नहीं, पहला कुछ रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, सब लोग मानपुर गोविंद के रहने वाले हैं, और इसमें आगे का तपास करके हम लोग बाकी की माहिती आपको बता सकते हैं। ओके, ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज के साथ।